Dear listeners or the students, today I am going to discuss about optical microscopic method, जो आपका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन का मैथड है एंड जिसको हम माइक्रोमैट्रिक्स यूनिट में पढ़ रहे हैं. एंड दिस इज नैंसी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर. लेट अस स्टार्ट. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर नंबर ऑफ फोर मैथड्स बेसिकली फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया ही है. तो फोर मैथड्स आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन और पार्टिकल वैल्यू मेजरमेंट है. और उसके अकॉर्डिंग इनके इंस्ट्रूमेंट नेम्स भी है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो मैथड आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है आपका माइक्रोस्कोप. उसके बाद सीविंग में शिव शेखर मैथड, सेडिमेंटेशन मैथड जो है आपका उसके जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एंडरसन पिपेट मेथड, और पार्टिकल साइज या पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए जो हम अपरेटस यूज करते हैं उसको हम कोल्टर काउंटर मेथड करते हैं. इसकी टेबल हमने इतने इम्पॉर्टेंट वे में इसलिए बनाई है सो दैट आपको वन वर्ड के क्वेश्चन में अगर आपको इंस्ट्रूमेंट या डायमीटर कितना मेजर होता है, किस मेथड के थ्रू, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसके लिए हमने आपको कंसाइज वे में ये टेबल बनाई है. तो मस्ट लर्न. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. तो इस मेथड में के थ्रू जिस रेंज के पार्टिकल हमें डिटरमाइन होते हैं, पार्टिकल का साइज जो होता है वो होता है 0.2 to 100 माइक्रोमीटर. पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 0 to 100 माइक्रोमीटर कैन बी मेजर्ड बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. तो जिन पार्टिकल साइज का रेंज 0.2 to 100 माइक्रोमीटर होता है उनको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के थ्रू मेजर करते हैं. दिस मैथड गिव्स नंबर डिस्ट्रीब्यूशन. इस मैथड से हमें नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है विच कैन बी कन्वर्टेड टू वेट डिस्ट्रीब्यूशन. इससे हमें नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और जिसको हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लेंस हैज लिमिटेड रिजॉल्विंग पावर. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो लेंस की पावर होती है लिमिटेड होती है. दिस मेथड कैन इज कॉल्ड एज नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एज इट्स बेस्ड ऑन काउंटिंग मेथड. इसको हम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं बिकॉज ये काउंटिंग मेथड पे डिपेंड करता है. सो दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. Then this method particle represented in the form of projected diameter. तो इस method में जो particle represent करते हैं हम projected diameter के form में represent करते हैं. Advanced microscope have better resolving power. बहुत सारे advanced microscope है जिनकी बहुत ही better resolving power होती है, जिनके through हम nano size range के particle size को डिटरमाइन कर सकते हैं. जिसके एग्जाम्पल हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम, उसके बाद टेम. तो ये आप सेम टेम आगे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ेंगे अबाउट इट. नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? पार्टिकल साइज एनालिसिस इन सस्पेंशन, एरोसॉल, ग्लोब्यूल साइज एनालिसिस इन इमर्जन. तो पार्टिकल साइज एनालिसिस का हमें एप्लीकेशन देखने मिलता है सस्पेंशन में, एरोसॉल में, ग्लोब्यूल साइज और द इमल्शन में. सबसे पहले जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो माइक्रोस्कोप यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. तो हियर यू कैन सी दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज अ माइक्रोस्कोप, जिसका हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने में यूज करते हैं. तो सबसे ऊपर के में ये आप यहाँ पे जो आपका लेंस लगा होता है उसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहते हैं, और उसमें एक स्केल बनी होती है. हियर यू कैन सी दिस स्केल. नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपका स्टेज माइक्रोमीटर होता है जो एक आपका स्लाइड के शेप का होता है, उसको हम स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं, और जिसमें भी स्केलिंग बनी होती है. तो हियर यू कैन सी, और इस स्केल को आप ऑक्यूलर स्केल हियर यू कैन सी एंड स्टेज स्केल माइक्रोमीटर की स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इस तरह से ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की स्केल होती है, स्टेज माइक्रोमीटर की स्केल इस तरह से होती है.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हम कैसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पार्टिकल साइज. तो सबसे पहले हम आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप इज फिटेड विद द माइक्रोमीटर. जो आई पीस होता है माइक्रोस्कोप में फिटेड फिट करते हैं माइक्रोमीटर के साथ. द आई पीस माइक्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्टेज माइक्रोमीटर. आई पीस माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं स्टैंडर्ड स्टेज माइक्रोमीटर के साथ. द पाउडर सैंपल इज डिस्पर्स इन सुटेबल व्हीकल. जो पाउडर सैंपल होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुटेबल व्हीकल में डिस्पर्स करते हैं जो डिजोल्व नहीं होता है एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट अल्टर्ड. जिसकी प्रॉपर्टी को अल्टर नहीं किया जा सकता है. दिस सैंपल इज माउंटेड ऑन अ स्लाइड एंड प्लेस्ड ऑन द स्टेज अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप. तो हमने जो स्लाइड के शेप का लिया था स्टेज माइक्रोमीटर, लाइक उसमें स्लाइड जो होती है वहाँ पे हम स्लाइड में ये अपना सैंपल को प्लेस करते हैं. उसके बाद अराउंड 300 टू 500 पार्टिकल हमें विजुलाइज होते हैं अगर जो हमने सैंपल लिया होता है. उसके बाद हम दिस डायमीटर इज नोटेड एंड मीन इज कंप्यूटेड. इस डायमीटर को नोट करते हैं और मीन को निकालते हैं. Here you can see the calibrated using a standard stage micrometer. ये आपका calibrated standard stage micrometer है जिसमें आई पीस में हम graticule देख सकते हैं. This is a scale और ये stage micrometer की scale है. तो इस तरह से हम इसमें check करते हैं. Now देख लेते हैं what are the advantages. One can view particles. नेक्स्ट है एनी एग्रीगेट्स डिटेक्ट. कोई भी एग्रीगेट को डिटेक्ट किया जा सकता है. कंटामिनेटेड है वो पार्टिकल डिटेक्ट होती है. कवर स्लिप आर अरेस्टिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इजी एंड सिंपल. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, लेंथ एंड ब्रीथ कैन बी डिटेक्टेड बट डेप्थ और थिकनेस ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर. लेंथ और ब्रीथ देख सकते हैं बट डेप्थ और थिकनेस नहीं देख सकते पार्टिकल की. स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, इनएक्यूरेट नंबर ऑफ पार्टिकल यू कैन काउंट. दिस इज अ एडवांटेज. बी मेजर्ड इज मोर. लार्ज सैंपल रिक्वायर्स, के लिए लार्ज सैंपल रिक्वायर. तो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड होता है. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर.